हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, जिसे बोलते हैं मात्रक, है ना। आप लोगों को मालूम है कि हर चीज़ का एक स्पेसिफिक मात्रक होता है। जैसे आपको लंबाई को मापना है तो लंबाई को आप किलोमीटर में मापते हो, मीटर में माप सकते हो, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो लंबाई के मात्रक होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, इन सब के अलग अलग मात्रक होते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो फिजिक्स की, तो आप लोगों को इन 35 मात्रकों में से कम 25 मात्रक आने चाहिए, तभी आपको लगेगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। तो कोशिश कीजिए बताने की, और अगर नहीं आता है तो यहाँ से सीखिए। एक एक करके मैं आपको बताता जाऊँगा, तो आप लोगों को कोशिश करना है कि कौन से मात्रक आपके सही हैं, कौन से नहीं। तो पहले मैंने 20 मात्रक लिखे हैं, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि मात्रक हैं किसके। आप लोगों को सीखना है, या फिर अगर आपको आते हैं तो काउंट करना है कि कितने मात्रक आपके सही हैं, फिर कमेंट में करके बताना है कि सर 35 में से मेरे 25 सही हैं या 20। अगर आपके 25 प्लस सही होते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। 25 प्लस होने चाहिए, बल्कि 30 प्लस होने चाहिए, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं मात्रक, जिसे बोलते हैं यूनिट, ठीक है ना। तो हम चलते एक एक करके। सबसे पहले मैंने जो डा वाले हैं वो तीन लिए हैं, डेसिबल, डायोप्टर और डॉप्सन, ठीक है ना। पहला है डेसिबल, डॉप्सन दूसरा और डायोप्टर तीसरा। तो बताइए आप लोग कि डेसिबल किसका मात्रक है। तो आप लोगों ने बता दिए होंगे, जो डेसिबल मात्रक होता है वो होता है ध्वनि की तीव्रता का। तो ध्वनि की तीव्रता, जो साउंड होता है, साउंड को हम डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल में, ठीक है ना। तो याद रखना है कि ध्वनि का तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल, और इसी का मात्रक होता है बेल भी होता है। क्या बोलते हैं एक मात्रक को, उसको बोलते हैं बेल। और 10 डेसिबल बराबर होता है एक बेल। तो इसको याद रखना कि 10 डेसिबल बराबर होता है एक बेल। तो डेसिबल के साथ अगर बेल भी पूछा जाए आपसे कि किसका मात्रक होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि बेल और डेसिबल दोनों ध्वनि की तीव्रता के मात्रक हैं, ठीक है। डेसिबल छोटा मात्रक होता है, बेल बड़ा मात्रक है, और 10 डेसिबल मिलके एक बेल बनाते हैं, ठीक है। दूसरा डॉप्सन, तो ओजोन परत की मोटाई जो होती है उसको डॉप्सन में मापते हैं। तो आपको यहां लिखना है ओजोन परत की मोटाई, और तीसरा है डायोप्टर। तो डायोप्टर में किसको मापते हैं, किसी लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। तो आप बोलोगे लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं, और लेंस की क्षमता जो होती है, जिसे बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, ए किसके अपोजिट होती है, फोकस दूरी के, लेंस के फोकस दूरी के अपोजिट होती है, ठीक है ना। फोकस दूरी का मात्रक मीटर में होता है, ठीक है, और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर में। तो याद रखना कि डायोप्टर है लेंस की क्षमता का मात्रक। तीनों हो गए, डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई, डायोप्टर लेंस की क्षमता, और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, बेल ध्वनि की तीव्रता। इसके बाद हम पढ़ते हैं हर्ट्ज कूलम। तो ये तो आपको मालूम होगा कि आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। कूलम किसका होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का मतलब चार्ज, चार्ज का मात्रक कूलम, और फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज। ओम किसका होता है, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब यहां पर आपको देखना है ओम इनवर्स या मोह लिखा हुआ है, ये क्या है, ओम, ओम इनवर्स और मोह। तो याद रखना है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और ओम इनवर्स मात्रक होता है चालकता का, और मोह जो है मात्रक होता है कठोरता का। कठोरता का मात्रक क्या होता है, मोह, और प्रतिरोध का ओम, और चालकता का ओम इनवर्स या मोह, इनको ध्यान रखना। इसके बाद हम चलते हैं, इन तीनों को मैंने क्यों इसमें एक बॉक्स में बंद किया है, क्योंकि ये सारे के सारे मात्रक जो हैं वो चुंबकीय मैग्नेट से संबंधित हैं। बेबर, बेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको ही बोला जाता है टेस्ला। तो आपसे कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि एक
टेस्ला बराबर किसका होता है, तो चाहे आप बोल दो वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, बात एक ही है। यहाँ पर ल्यूमेन या फिर ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर या फिर उसको बोल सकते हैं लक्स, तो लक्स को ही कहा जाता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, मतलब एक लक्स बराबर होता है एक ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर और एक टेस्ला बराबर होता है एक वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको याद रखना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो आपको क्या बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है वेबर, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। याद रखना ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है, चुंबकीय से। तो चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आप बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, और चुंबकीय प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। चुंबकीय प्रेरकत्व का मात्रक क्या है हेनरी। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, ल्यूमेन मात्रक किसका है, तो आप बोलोगे ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है ल्यूमेन, और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या लक्स किसका होता है, तो आप बोलोगे ये होता है ज्योति फ्लक्स का और ये होता है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला, तो आपको याद रखना है कि ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। और अब आपके सामने बचा हुआ है कि ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर या जिसको कहा जाता है लक्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम है प्रदीप्त घनत्व, तो अच्छे से इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ इसको कभी कभी। तो जो ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर या लक्स किसका मात्रक है, ये है प्रदीप्त घनत्व या चमक का या फिर चमक, जिसको कहते हैं ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता कैंडला, और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या लक्स जो होता है वो होता है प्रदीप्त घनत्व का। अब हम बात करते हैं फॉइज की, तो जो कोई भी जो द्रव होता है लिक्विड है वो कितना गाढ़ा है, ये बताने के लिए पॉइज यूज किया जाता है मात्रक में, क्या याद करते हैं पॉइज। तो आप बोलोगे विस्कोसिटी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसका मात्रक क्या होता है पॉइज, ठीक है। तो आप बोलोगे द्रव के गाढ़ापन का मात्रक होता है, विस्कोसिटी का मात्रक होता है पॉइज। ये जो लिखा है बार, पास्कल और टोर, ये तीनों मात्रक हैं प्रेशर के, जिसे हम कहते हैं दाब। तो आपके सामने अगर आता है कि बताइए बार किसका मात्रक है, तो बार वैसे वायुमंडल के दाब का मात्रक है या दाब का मात्रक है, तो बार, पास्कल और टोर तीनों मात्रक हैं किसके, दाब के या फिर प्रेशर के। और एक इनमें संबंध पूछा जाता है कि बताइए एक बार बराबर कितने पास्कल के होता है, तो आपको याद रखना है कि 1,00,000 पास्कल मिलके एक बार बनाते हैं। क्या बोलोगे आप कि 10^5 पास्कल, 10^5 पास्कल मिलके क्या बनाएंगे, एक बार बनाएंगे। ये बार और पास्कल दोनों के दोनों दाब के मात्रक होते हैं, जिसे प्रेशर कहा जाता है, चाहे बार हो, पास्कल हो या टोर हो। ये टोर आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है टोर ही डोर बांध दे आपकी और एक नंबर दिलवा दे। तो तीनों के तीनों किसके हैं, ये दाब के मात्रक होते हैं, और 1,00,000 पास्कल मिल जाएंगे तब एक बार बनेगा, और बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है स्पेशली, लेकिन हम यहाँ पर दाब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके साथ में भी मैंने यहाँ पास में दोनों लिखे हैं, ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी मुझे बता सकते हो, क्योंकि आपको जिससे याद हो सके कि जो न्यूटन है या डाइन है ये बल के मात्रक होते हैं, बल का एमकेएस मात्रक होता है न्यूटन और बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। इनमें रिलेशन क्या है, जो रिलेशन इनमें है वही इनमें रिलेशन है कि 1,00,000 डाइन मिलके एक न्यूटन बनाते हैं, तो इसका रिलेशन बहुत आता है। आपको याद रखना है कि 10^5 डाइन अगर मिल जाएंगी तब बनेगा एक न्यूटन, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है।
कि एक न्यूटन बराबर क्या होता है 10^5 डाइन, मतलब 1,00,000 डाइन मिल जाती है तब एक न्यूटन बनता है, और 1,00,000 पास्कल मिलके एक बार बनता है। पास्कल बार होते हैं दाब के मात्रक और न्यूटन डाइन होते हैं बल की मात्रक, ठीक है ना। और ऐसे एक और आपको याद रखना है, चलो वो तो मैं बताने वाला हूँ कि 10^7 अर्ग मिलकर बनाता है ना, 10^7 अर्ग मिलकर एक जूल बनाता है, तो इसको हम अब पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमारे कंप्लीट हुए 20 मात्रक, हो तो ज्यादा गए हैं वैसे, एक यहाँ पर बेल भी हो गया और एक यहाँ पर है ना एक मोहे ये हो गया, लेकिन फिर भी हम 20 मान के चलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलने वाले हैं नए इम्पोर्टेंट मात्रक, उसको भी देखें। तो चलिए चलते हैं हम जो बचे हुए मात्रक हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण मात्रक हैं तो उनको भी जानते हैं। ये आपको दिख रहा होगा गैलन, बैरल और लीटर, ये तीन मात्रक में से आप बताइए आपको कितने मात्रक पता है। आपको मालूम होगा कि जो लीटर है आयतन को लीटर में मापते हैं, लेकिन गैलन और बैरल इनके बारे में नहीं मालूम होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये तीनों के तीनों मात्रक हैं किसके, वॉल्यूम के या फिर आयतन के, जिसे हम क्या बोलते हैं आयतन या फिर वॉल्यूम। अब तीनों मात्रक आयतन के हैं तो यहाँ पे आप आयतन 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 तीनों बार लिख सकते हो, लेकिन इनमें रिलेशन पता होना चाहिए आपको कि कितने बैरल मिलके कितने लीटर बनाता है, मतलब कितना लीटर होना चाहिए कोई भी लिक्विड वो एक बैरल कहलाएगा। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि जो गैलन होता है बैरल, आपको याद रखना है कि 159 लीटर मिलके क्या बनाते हैं एक बैरल को, तो बस इतना याद रखना आपको है ना, कि अगर इतना आपको आ रहा है बस इतना याद रखना है कि 159 लीटर मिलके क्या बनाते हैं, तो आप बोलोगे कि 159 लीटर मिलके एक बैरल बनाते हैं। ऐसे आपको याद रखना है कि जो अगर 4.54 लीटर मिल जाएंगे आपस में, 4.5 या 4.5 लीटर याद रखना है कि 4.5 लीटर इतने लीटर मिला के बनाते हैं एक गैलन, तो बस आपको याद हो जाएगा कि एक गैलन बैरल और लीटर कि 159 लीटर मिलके एक बैरल बनाते हैं, 4.54 लीटर मिलके एक गैलन बनाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मात्र किसके, आयतन के, तो दोनों चीज याद रखना है क्योंकि इनमें कभी कभी रिलेशन पूछ लेते हैं और कभी सिर्फ इतना पूछेंगे कि बताइए गैलन किसका मात्रक होता है। नेक्स्ट आ जाता है पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और मील, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा जितने भी मात्रक बताए अभी तक मैंने यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, तो इन चारों को आपको याद रखना है। सबसे पहले एक एंगस्ट्रम भी होता है, तो 5 लिख देता हूं मैं यहां पर एंगस्ट्रम, वो भी दूरी का मात्रक होता है। तो ये 5 मात्रक जो है वो किसके, दूरी के मात्रक हैं। क्वेश्चन आता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आप बोलोगे कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। प्रकाश वर्ष का मतलब है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, 1 light year। इसका मान कितना होता है, आप बोलोगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है सर 9.946 × 10^15 meter, इतना होता है 9.46 × 10^15 meter, ठीक है। और एक पारसेक, एक प्रकाश वर्ष तो ये हो गया, लेकिन एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, इतने प्रकाश वर्ष मिलके एक पारसेक बनाते हैं, तो पारसेक का मान आपको प्रकाश वर्ष में भी पता होना चाहिए, इतने प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो आप बोलोगे 3.26 प्रकाश वर्ष, इतना समय मिल जाता है, इतना प्रकाश वर्ष मिलके एक पारसेक बनाते हैं। और इसको अगर हम मीटर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे 3.08 × 10^16 meter, ठीक है ना, इसको आपको ऐसे याद करना है। और अगर किलोमीटर में पूछेगा तो आप जानते हो क्या करोगे, 1000 का आप भाग दे दोगे, तो यहाँ पर 15 की जगह 12 हो जाएगा और यहाँ 16 की जगह 13 हो जाएगा, तो मीटर को किलोमीटर में भी बना सकते हो आप, ठीक है। एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, तो 10^-10 meter, तो ये भी दूरी का मात्रक है एंगस्ट्रम, तो 1 angstrom बराबर इतने मीटर, 1 parsec बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10^16 meter, यहाँ पर 15 है यहाँ पर 16 है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10^15 meter। एक खगोलीय इकाई अगर पूछा जाता है तो आप बोलोगे 1.496
इंटू 10^11 मीटर। ये सब मीटर में बता रहा हूं मैं, किलोमीटर में बनाने के लिए आप पावर में से 3 कम कर दो पावर या 1000 का भाग दे दोगे तो ऊपर माइनस में पहुंच जाएगी वो और 3 पावर कम हो जाएंगे। जो घाते हैं वो कितनी कम होंगी, 3 कम हो जाती हैं। अगर एक मील के बारे में पूछे कि बताइए एक मील किसके बराबर होती है, तो आप लोग बताओ कौन कौन बता सकता है कि एक मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है। तो यहां पर देखा, एक यहां पर मील लिखा हुआ है, ए लिखा है समुद्री मील, ए लिखा है फैदम, तीनों में एक अंतर है, एक रिलेशन है, इसलिए मैंने इनको साथ में लिखा। ये दोनों समुद्र से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि समुद्र की जो दूरियां हैं और समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है, तो समुद्र में जो दूरियां हैं, जैसे ये समुद्र है तो आपको दूरी मापना है, तो वो मापी जाती है समुद्री मील में। और एक समुद्री मील होता है, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, एक समुद्री मील बराबर। और एक फैदम क्या है, तो आप लोगों की समुद्री गहराई मापी जाती है फैदम में। अगर आपको मापना है समुद्र में कितनी गहराई तक कोई चीज है, तो समुद्री गहराई को फैदम में मापते हैं कि 1 फैदम, 2 फैदम, 10 फैदम ऐसे। और दूरियां मापते हैं समुद्री मील में। और एक समुद्री मील बराबर होती है 1.85 किलोमीटर, और एक फैदम बराबर होता है 1.8, यहाँ पर किलोमीटर की जगह क्या लिखना है आपको, मीटर लिखना है, क्या, मीटर। और एक मील बराबर होता है 1.65 किलोमीटर। तो ये आपको इतना याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर आप इतना याद रखना इसको, ये 1.6 किलोमीटर याद रखना आपको, है ना, एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। बस यहाँ पर देखो, समुद्र के लिए जो भी आया है वो 1.8 याद रखना है कि समुद्री दूरियाँ, तो 1.85 आ गया यहाँ पर किलोमीटर में। दूरी तो बहुत ज़्यादा होती है समुद्र में, तो किलोमीटर में है। और समुद्र की गहराई फैदम में मापते हैं, तो एक फैदम 1.8 मीटर। तो समुद्र के लिए दोनों में क्या आ रहा है, 1.85, एक में किलोमीटर है एक में मीटर है। लेकिन नॉर्मल जो है दूरी के लिए जो मील प्रयोग होता है उसके लिए 1.6 किलोमीटर मिलके एक मील बनाता है, और समुद्र के लिए 1.85 किलोमीटर मिलके एक समुद्री मील बनाता है। ये हो जाएंगे हमारे, तो दोनों समुद्र के लिए हैं, ये चारों पांचों दूरियों के लिए हैं, और तीनों आयतन के मात्रक हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैलोरी, जूल और अर्घ, ये तीनों जो मात्रक हैं, एक कार्य के भी मात्रक हैं, ये ऊर्जा के भी मात्रक हैं और ऊष्मा के भी मात्रक हैं। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों के मात्रक हैं, कैलोरी, जूल और अर्घ। तो यहाँ से यहाँ पे हम लिख सकते हैं किस किस के मात्रक हैं। तो अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा कार्य का मात्रक है, तब भी आपको ये लिखना है। अगर पूछा जाए निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है, तब भी आपको ये लिखना है। और अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक है, तो तब भी आपको ये लिखना है। तो कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों के मात्रक हैं, तीनों, है ना। तो अब इनमें रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको, जो बहुत बार आता है तो अच्छे से देखना, ये याद रखना है कि जूल और अर्घ में क्या रिलेशन है। तो आप बोलोगे कि 10^7 इतने अर्घ मिल जाते हैं तब बनाता है 1 जूल। तो 10^7 अर्घ मिलके क्या बनाएंगे, 1 जूल। तो एक रिलेशन आपको याद रखना है। और फिर याद रखना है कि 4.2 जूल मिलकर बनाते हैं 1 कैलोरी। दूसरा रिलेशन आपको याद रखना है, दो रिलेशन याद रखना है कि बस याद रखना, कभी कभी वो 1 जूल ना पूछेगा, वो 1 अर्घ पूछेगा कि 1 अर्घ बराबर कितने जूल। तो आप बोलोगे 1 अर्घ बराबर होता है 10^-7 जूल। इसको दोनों तरफ से याद रखना, आप रट लोगे 10^7 होता है, वो उल्टा पूछ लेगा कि 1 अर्घ बराबर कितने जूल, ऑप्शन में मिलेगा आपको 10^7, आप तुरंत टिक कर दोगे। ऐसा नहीं करना है, इससे बचना है। क्या याद रखना है इनको, इसको रिवर्स में भी आपको याद करना है, लेकिन वो बाद में कर लेना आप, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। इन दोनों को देखो, कैलोरी, जूल और अर्घ, ये तीनों कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों के मात्रक होते हैं। अगर हम कैलोरी और अर्घ की बात करें, जूल और अर्घ की, तो 10^7 अर्घ मिलकर 1 जूल बनाता है, और 4.2 जूल मिलकर 1 कैलोरी बनाते हैं, ठीक है ना। इन दो रिलेशन बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए अच्छे से देखना है इनको। अब हम बात करते हैं किसकी,
फेराडे, जो फेराडे होता है वो होता है धारिता का मात्रक। फेराडे किसका होता है? धारिता का मात्रक। वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो आपको पता होगा वोल्ट होगा विभव का मात्रक। मूल किसका मात्रक होता है? तो पदार्थ की मात्रा, जो आपके मूल मात्रक होते हैं 7 और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं 22। तो मूल मात्रक कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा उसका मात्रक होता है मोल। तो यहाँ पर मोल किसका मात्रक है? पदार्थ की मात्रा का। 35 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद एक वैसे मैं मोल भी नहीं लिखना चाहता था, लेकिन 35 करने थे कंप्लीट तो इसको लिख दिया। और 2 एक्स्ट्रा आपके लिए लिख दिए, एक रेडियन और एक स्टे रेडियन। जो रेडियन जो मात्रक होता है वो होता है प्लेन एंगल का या समतल कोण, ठीक है ना। और स्टे रेडियन होता है सॉलिड एंगल या घन कोण, ठीक है ना। तो आप बोलोगे प्लेन एंगल, समतल कोण, और ये जो मात्रक होता है वो होता है घन कोण का। तो अब आप बताइए कि इसको देखने के बाद यहां से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, और मैंने आपको केवल मात्रक ही नहीं बताए, उनमें कैसा रिलेशन है वो सब बताया है आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। और फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर माना जाता है ये, आपको आना ही चाहिए, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे उनमें रिलेशन हो, कैसे ना कैसे करके वो पूछता रहता है। कभी आपसे बेसिक से पूछ लेगा कि बताइए प्रकाश दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए पारसेक। फिर पूछ लेगा बताइए पारसेक और प्रकाश वर्ष में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर पारसेक का मीटर में रिलेशन पूछ लेगा, या पारसेक का किलोमीटर में रिलेशन पूछ लेगा। तो कोई भी रिलेशन पूछ सकता है, किसका मात्रक है, वैल्यू कितनी होती है, बैरल और गैलन इनका लीटर से संबंध पूछ सकता है ना, बैरल किसका मात्रक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 35 तक, ठीक है ना। अगर आपके 30+ जाते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, 30 और 25+ जाते हैं तो एवरेज तैयारी है, बुरी नहीं कहेंगे, ठीक ही कहेंगे। और 20 तक पहुँच ही पाते हो आप, तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है ना। और अगर 10 से कम आते हैं आपके मार्क्स, तो इसका मतलब है आप बिल्कुल स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग होगी आपकी, तभी इतने कम नंबर आ रहे होंगे, नहीं तो आपको बेसिक तो पता होगा शायद मेरे ख्याल से, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मैथ मस्ती 2.0, उसको ज्वाइन कीजिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा यदि आप कुछ बोलना चाहते हो, कुछ भी वीडियो के बारे में अपना कोई सजेशन देना चाहते हो कि सर क्या मैं करूं जिससे और अच्छा वीडियो बना सकूं, ठीक है, अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो, तो कुछ भी सजेशन जो आप देना चाहते हो तो मैसेज करके बता सकते हो। थैंक यू।